तो अब हम जा रहे हैं जयपुर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे सेफ होंगे। सो आज मैं जा रही हूँ जयपुर। काफी दिनों बाद मैं जयपुर जा रही हूँ। अभी मेरा ईद के बाद ईद जयपुर जाने का था, बट कुछ इश्यूज हो गए थे तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई। बट अब मैं जा रही हूँ। पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा लगेज, और मैंने मेहंदी भी लगवाई है। सो हम लोगों की ट्रेन है 1 बजे, और अभी टाइम हो रहा है 12 बजे, और हम लोग बस निकलने वाले हैं अभी। अनायसा भी रेडी है पीछे, अभी जस्ट फ्रेश होके बैठी है वो, और मैं भी बस अभी जस्ट रेडी हुई हूँ। तो अनायसा के पापा आने वाले हैं ऑफिस से, और फिर हम लोग चलते हैं जयपुर। जयपुर में हम लोग बहुत ज़्यादा वाला फन करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं गई नहीं, और साथ में अनायसा के पापा है, और हम लोग जाने हैं मंडे वापस आ जाएंगे जोधपुर। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, काफ़ी दिनों बाद सबसे मिलूंगी। तो चलिए, तो अब हम जा रहे हैं जयपुर। ट्रेन का टाइम है 1:15, ट्रेन आने में अभी 20 मिनट बाकी है। हम अभी खा रहे हैं कुल्फी, आइसक्रीम, और बस यार हम लोग आ गए हैं स्टेशन पे। टेलीफोन नंबर 1 पर गाड़ी की प्रतीक्षा करें। तो हम लोग आ गए स्टेशन पे, और अभी हमारी ट्रेन आने में टाइम है लगभग 20-25 मिनट आने में, जब तक अनायसा हमारी सो गई है यहीं पे बैठे बैठे, और हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम टाइम पास करने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ वाली हो रही है अभी, बस ट्रेन आने वाली है अभी हमारी। तो यार अब हमारी ट्रेन आ गई है, हमारी खुद की पर्सनल ट्रेन आ चुकी है, और हम बहुत ज़्यादा देर हो गए वेट करते करते थक गए, तो फटाफट चलो जयपुर, मुझसे वेट नहीं हो रहा है। यार मैं आ गई हूँ जयपुर। जयपुर मैं सुबह पहुँच गई थी, और अभी काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ, क्योंकि अनायसा ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है रास्ते में, और उसको काफ़ी वॉमिटिंग हो गई थी, थोड़ा सा लू लग गई थी उसको धूप में। सो अब मैं सो के उठी हूँ, और अब देखते हैं, सोच रहे हैं आज बारबेक्यू करने का, हो सकता है कुछ कबाब वगैरह बने, या लोग आ रहे हैं मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद आई हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं सेलिब्रिटी तो नहीं बन गई। तो सब लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, और अभी हम लोग चलेंगे छत पे। छत पे आपको जाके दिखाते हैं व्यू। अच्छा व्यू है क्योंकि काफ़ी हाइट पे है घर इसलिए, और बनाते हैं कबाब शबाब, पार्टी टाइम चले। अनु बता लो दोस्ती बोती। कपड़े जलाने लगे मेरे। ये हमारी बन रही है चिकन बिरयानी, ये हमारी भाभी बना रही है, और ये हमारी चाची मास्टर शेफ, जयपुर की मशहूर चिकन बिरयानी। ये सारे फालतू लोग हमें, रीजा फालतू, फिर ये सबीरा फालतू, फिर ये नविया फालतू, सारे फालतू लोग आप लोग यहाँ दिख जाएंगे। बड़ी खूबसूरत सी शाम हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज, लेकिन अब मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। अनायसा नीचे सो रही है इस टाइम पे, और ये वहाँ पे आपको दिख रहा है वो फोर्ट है, वहाँ वो दिख रहा है, वो दिख गया आपको ये पर आई है वो मेरा फालतू। मेरा दो शब्द बोले आप प्लीज। मैं जस्ट अभी नमाज पढ़ के आई हूँ ऊपर, सबसे हैंडसम बॉय हमारे इस घर का, सबसे खूबसूरत चिंपैंजर, इसमें कोई अंतर नहीं है। लाइट जल गई है, ये कच्ची कुक हो रही है। ये रही हमारी गली। हेलो गाइस, अब मैं हूँ उनका पप्पा का पार्टनर, छोटा पप्पा का पार्टनर आया, बड़ा काम वाम तो कुछ कर नहीं रहा। बन जाएगा न्यू 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 न्यू। पानी तो ला किसी चीज में, थोड़ा पीने का पानी लेके आ। मरीसी के तैयार हो रही है, बहुत ज्यादा टेस्टी। ओए ये यहाँ हमारे मियाँ जी बना रहे हैं सीख कबाब,
कमिया जी का फोटो ये देखें कितनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना देख रहे हैं आप इनके मुंह पे। ये हमारे बड़े मामू बहुत प्यारे से, ये सारी औरतें लग रही है दम अदम सीके बना रही हैं। अम्मी ये सही करो ना, अच्छा हाथ से देखने वाला भी सही करता। ये बेटी मास्टर शेफ, ये ना ये खा रही है बना कम रही है खासा दर ही है। Thank you.